बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज है इंडिपेंडेंस डे यानी कि स्वतंत्रता दिवस। तो मेरी तरफ से आपको, आपके परिवार वालों को स्वतंत्रता दिवस यानी कि इंडिपेंडेंस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो देखिए, मैं सुबह सुबह नहा धोवा के तैयार हो गई हूँ। किस लिए? क्योंकि योगा सेंटर से हमें कॉल आया था कि आज इंडिपेंडेंस डे का पर्व है, तो आप थोड़ा अपना गले की प्रस्तुति दीजिए। तो हम लोग तैयार हो गए हैं सुबह सुबह 5 बजे। एंड मैं किचन में इंट्रो इसलिए कर रही थी बिकॉज ये वाला रूम ब्लॉक था, मम्मी तैयार हो रही थी एंड भैया उस रूम में सो रहा था, तो मेरे लिए कोई जगह ही नहीं बची जहाँ मैं इंट्रो करूँ। बेटी तैयार हो गई, माया अभी तक सजी रही है। तो पहले बाथरूम में तुम चली गई थी, बकवास करवा लो खाली। 5 मिनट में निकल गया मैं बाथरूम से। 5 मिनट के बाद तो मैं जाऊँगी, 5 मिनट पहले तैयार हुई। और 5 बजे उठे हम लोग, 6 बज गए। मेरा भी कपड़ा हो गया, बस लिपा पोती बाकी है। वहाँ पे कोई कितना सज के नहीं आता जितना मेरी मम्मी सज के आती है। ले जाऊंगा, हाँ गुड। योगा करने जाते हो क्या? सच में आज नहीं सजेगी मम्मी, आज गुस्सा। तो हम लोग आ गए हैं वेन्यू पे एंड देखिए वेन्यू कितना सुंदर। यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस के लिए एक पोस्टर चिपकाया हुआ है और अंदर ये हम लोग थोड़ा दूसरा वेन्यू पे आए हैं। जिस जगह हर बार जाते हैं वहाँ पे नहीं आए, दूसरी जगह पे आए हैं। एंड ये वेन्यू भी, ये भी एक पार्टी लॉन है लेकिन बहुत सुंदर है। चलते हैं भाई, प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है। एक बार सलामी दे दो उन जवान के लिए। कार्यकर्ता वहाँ पर आते हैं, वो बहुत सुंदर कार्यक्रम होगा, आप उसमें भी अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर भारतीय योग संस्थान के इस कार्यक्रम को सफल बनाने का कार्य करेंगे। आपका बहुत। तो यहाँ पे देखिए, प्रोग्राम खत्म होने के बाद सभी लोग नाच गा कर एकदम हर्षोल्लास के साथ अपना स्वतंत्रता दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। भाई मजा आ रहा है मुझको भी। देखिए आज रिफ्रेशमेंट में एक कचौड़ी है, मम्मी और पापा मिले कचौड़ी खा रहे हैं, मैं भी खाऊंगी। तो फाइनली प्रोग्राम खत्म हुआ और हम लोग घर आ गए। ओ भाई साहब, एक तो बहुत जोर से गर्मी लग रही है, दूसरा बहुत जोर से गर्मी लग रही है। बस गर्मी के चक्कर में ही हम लोग इतना ज़्यादा थक गए, इतना ज़्यादा ऐसा लग रहा है, वरना अगर मौसम ठीक होता ना तो मज़ा आता। हम लोग प्रोग्राम करके जब आए ना तो इतनी ज़ोर से, पहले तो नींद आ रही थी बिकॉज रात भर से तो कोई सोया नहीं था, तो पहले हम लोग सो गए और इतनी धूप के कारण मेरी माता श्री के माथा में दर्द हो गया और इसीलिए नाश्ता नहीं बन पाया। तो देखिए, कल हम लोग का फास्ट था तो भूख भी बहुत ज़ोर से लग रही थी, इसलिए भैया ले आया है छोले कुलचे। तो भाई नाश्ता यही होगा और बाकी लंच भी बनाना है कि नहीं? चलो अच्छा, बच्चा को दे देते हैं। आ बन्नी, कचौड़ी तो हमने खाया था वहाँ पे, लेकिन मैंने एक ही खाया बिकॉज वहाँ पे ना बहुत धूप लग रही थी, तो ऐसे में मुझसे खाया नहीं जाता ज़्यादा। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अच्छा ले लो। 2 hours later। तो तुम लोग पागल है क्या यार? अरे बॉल नहीं है, उतार उसको, इसको भी मजा आ रहा है बेवकूफ। तो अभी हम सब जाने वाले हैं पतंग और मांझा लेने के लिए बिकॉज आज इंडिपेंडेंस डे है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि इंडिपेंडेंस के दिन हम लोग पतंग नहीं उड़ाए इसलिए। और कल ना पापा को थोड़ा सा काम हो गया था, इसलिए हम लोग एक दिन पहले ही हमेशा ले आते थे, लेकिन कल पापा को कुछ काम हो गया तो हम लोग ला नहीं पाए, इसलिए आज हम सब बच्चा पार्टी गैंग
जा रहे हैं किधर? पतंग उड़ाने। इशू नहीं जाएगा? नहीं जाऊंगा। यहाँ देखो कितने सारे लोग आए हुए हैं, बहुत भीड़ लगी हुई है इस दुकान में भाई। यहाँ पे कितना छोटा छोटा सा पतंग मिल रहा बच्चों के लिए। अरे वाह, देखिए इतनी भीड़ लगी हुई है दुकान पे, इतने सारे लोग आए हुए भाई। बहुत मुश्किल से पापा जो है पतंग छाट छाट के निकाले हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ है और थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही है, हल्की हल्की सी, मतलब बूंदाबांदी हो रही है। और मैं तो कहती हूँ ना हो, क्योंकि फिर पतंग उड़ाने में बहुत मुश्किल हो जाएगी। आज इंडिपेंडेंस डे के दिन सब अपने घर पर लाउड स्पीकर पर गाने बजा रहे हैं, और इतनी देर से बजा रहे हैं ना, अब तो सर में भी दर्द होने लगा है। खैर कोई बात नहीं, अभी लंच का टाइम हो गया है और मैं लंच यहाँ पे लेके तो आई हूँ, लेकिन खाऊंगी यहाँ पे नहीं, खाऊंगी मैं बाहर। लेकिन बाहर मम्मी पापा सो रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा आपको लंच दिखा देते हैं। आज का लंच है ये छोले चावल, और छोले मैं बहुत टाइम के बाद खाने वाली, बिकॉज लास्ट टाइम जब छोले बना था ना, उस समय मेरी तबीयत ख़राब थी और गला एकदम जल रहा था, तो छोले मैं नहीं खा पाई थी। एंड छोले बनाने का एक पर्पस ये भी था, क्योंकि आज शाम को हम लोग जलेबी समोसा पार्टी करने वाले हैं, तो रात को फिर खाने में समोसा चाट भी चल जाएगा, इसलिए ये एक पूरा प्लान हमने किया था। तो अभी छोले चावल खाते हैं, उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद हम लोग जाएंगे छत पे पतंग उड़ाने। वैसे आज तो छोले छोले हो गया, आज सुबह सुबह हमने छोले कुलचे खाया, अभी छोले खा रहे हैं, रात में छोले चाट खाएंगे भाई। आज छोले छोले हो गया, छोले छोले। अब कल सुबह सुबह पता नहीं पेट का क्या छोले छोले होगा, दिन भर से हम लोग छोले छोले खा रहे हैं। चलो अब शाम का वक्त हो गया है, हम लोग जा रहे हैं ऊपर पतंग उड़ाने। हम लोग क्या भैया के दोस्त लोग सब ऊपर ऑलरेडी हैं, हम लोग तो नीचे खाली वेट कर रहे थे धूप कम होने का, बिकॉज आज शाम तक भी बहुत धूप थी, अभी धूप कम हो गई है, तो चलते हैं ऊपर। आती है कॉन्फिडेंस लेवल, अरे मैंने गांव में बहुत पतंग उड़ाई है। एक्सपीरियंस खिलाड़ी, जिसको नहीं आती ना उड़ानी वो स्कूटी के पीछे बांधो। अरे हाँ, वहाँ स्कूटी लेके जा। ये मैं देखता हूँ। हाँ आसमान में आज पतंगे ही पतंगे हैं। ईशु यहाँ पे अपनी छोटी सी पतंग लेके आया। ईशु उड़ा दो पतंग बेटा, मैं डुगु भैया को मांझा पकड़ा दो, ठीक है? मैं नहीं पकड़ रहा, क्या मतलब तुम्हारा भाई नहीं है? नहीं भाई, जितनी देर हम लोग छत पे थे एक पतंग नहीं उड़ी, एक पतंग नहीं उड़ी। चलो पतंग का कार्यक्रम हम लोग को हुआ समाप्त, लेकिन भैया और भैया के सारे दोस्त अभी तक पतंग उड़ा ही रहे हैं। हमें बहुत बोर हो रहा है, क्योंकि आता तो है नहीं मुझे पतंग उड़ाना, तो हम लोग जा रहे हैं अब नीचे, मैं बहुत बोर हो रही हूँ। तो फाइनली भाई बहुत देर का इंतजार के बाद जलेबी आ गई है घर में, एंड आज हम लोग जलेबी इसलिए खा रहे हैं बिकॉज जलेबी क्या होती है, राष्ट्र मिठाई होती है। तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू ऑल ऑल्सो, एंड हम अब जलेबी खाएंगे। बहुत बढ़िया, कैसा है इशू? गर्मा गर्मा बहुत टेस्टी था। तो जलेबी समोसा हम लोगों ने खा लिया है, बहुत टेस्टी था, और हम लोग का पेट एकदम डिम डम डोल हो गया है। और मुझे नहीं लगता कि घर में आप कोई भी रात में डिनर करने वाला है। तो आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे समाप्त। अगर आप ये व्लॉग अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताएगा कि आप सभी को ये व्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं आप सभी से बहुत जल्द अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, और एक बार फिर आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।